सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, अभी आज की इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में अगर स्लाइड्स देखें तो वो पूरी हैं तीन, लेकिन तीनों स्लाइड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को आपने, मतलब इन स्लाइड्स को आपने पूरा देखना है, कहीं पर भी आपने छोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि ये स्लाइड्स जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके बारे में आपने कहीं भी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहली स्लाइड हमारे पास वो है फ़लस्तीन से, ठीक है ना। और आपको पता है कि वहाँ पर कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए जो जंग है वो आज भी चल रही है। तो उसी के चलते अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फ़लस्तीनियन है, ठीक है ना। ये सारे जो आपको नंगे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे ये फ़लस्तीनियन हैं, ठीक है ना। ये सारे वही लोग हैं और ये पीछे आप इसराइल की आर्मी है, ठीक है। अब पूरी क्या बात है यहाँ पर, हम डिटेल में समझते हैं इस चीज़। ये देखिए, जो जितने भी अनरेस्ट आपको पैलेस्टीनियन मैन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इसराइली फोर्सेस ने कैप्चर किए हुए, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन जो मतलब जो हमस की तरफ से हैं, ठीक है ना, मतलब जो हमस फाइटर्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो अटैक किया था किसके ऊपर, जो लड़ रहे थे ये इसराइल के खिलाफ, तो लड़ने वाले कौन से, वो यही इसमें टेररिस्ट हैं, ठीक है ना। और इनको कैप्चर किया है नॉर्थन एरियाज में, जिसमें वहाँ पर आप देखेंगे मिलिट्री ट्रक का यूज़ करके इनको दूसरी जगह ले जाया गया, और वहाँ पर फिर इनके हाथ और पाँव, मतलब पाँव उसमें घुटने टेक कर जो पाँव हैं इनके बांधे हुए, उसमें सॉरी जो इनके हाथ हैं वो बांधे हुए हैं। और इस चीज़ को लेकर जो इसराइली मीडिया है उसने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो इसमें इसराइल डिफेंस फोर्स है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन जो ऑफिशियल कमेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर अभी तक सामने नहीं आई हैं, ठीक है ना। ये थी हमारे पास सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो देखिए, अब हमारे पास दूसरी स्लाइड है। दूसरी स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसराइल है उसका ब्लेम लगाना है, उसने ब्लेम किया किसके ऊपर, इन टेररिस्ट के ऊपर, मतलब जो हमस जो आर्मी है, ठीक है ना, जो हमस के टेररिस्ट हैं उनके ऊपर उसने ब्लेम लगाया कि जो जो वहाँ पर जो गर्ल्स थी, मतलब जिन गर्ल्स को उन्होंने कैद किया था इन टेररिस्ट ने, उनके साथ उन्होंने क्या किया कि उनके साथ उन्होंने रेप किया, और रेप इतना किया कि उनकी जो पेल्विसिस हैं उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ऐसा कहना है उसमें इसराइल का कहना है उसके ऊपर, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो कि ऐसे वीडियो क्लिप्स, ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो कि हम आपको वो सारे दिखा नहीं सकते। ऐसा कहना किसका, इसराइली, ऐसा कहना पुलिस का, ठीक है ना। बट वो कितना अब न्यूज़ है, तो न्यूज़ की जितना भी हम देखते हैं आजकल आपको पता ही है, तो वो कितनी चीज़ें सच भी होती हैं, कितनी चीज़ें झूठ भी होती हैं। तो चलिए, फ़िलहाल जो जैसा है मैं आपके साथ वैसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जो ऐसी वीडियोज़ में अगर आप गर्ल्स को देखेंगे, उनकी पेल्विसिस जो थी वो भी मतलब इस तरह से उन्होंने रेप किया कि वो भी उन्होंने तोड़ दिए, ठीक है ना। और ऐसा कहना है पुलिस ऑफिसर शेली हरूश का, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, ठीक है। और उनमें से जो एक वुमेन जो उसमें से बची है, उसने कहा है कि एक जो औरत को कहा गया, उसको मतलब एक लड़की को कहा गया उसमें नंगा होने के लिए, उसने इनकार कर दिया। तो उसी के चलते फिर उन्होंने उसका जो सर है, मतलब उसको सर जो था उसको काट दिया उसको, ठीक है, ऊपर से उसका क्या कर दिया, बिहेडेड कर दिया उसको, ठीक है, क्योंकि उसने इनकार किया था। ये थी हमारे पास इसराइल और फ़लस्तीन को लेकर। लेकिन अब जो है हमारी अपनी इंडिया के से, ठीक है ना। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही है, ये चीज़ चलती है, पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि ऐसे नोट जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना, 500 का ऐसे नोट जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो क्या है, फेक है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मार्केट में इस चीज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, इसमें जो RBI है उसने पहली बार भी ये इस चीज़ को क्लेरिफाई किया था। 2016 से जो नोट्स चल रहे हैं उनमें कुछ ऐसे नोट्स भी हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। अब स्टार लगने की कुछ वजह होती है। अब देखिए, कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो मिसप्रिंट हो जाते हैं, ठीक है, जिनका नंबर मतलब या फिर कहीं से ख़राब हो जाता है, तो उन चीज़ों को, उन नोट्स को दोबारा निकाला जाता है। तो उन नोट्स के ऊपर फिर क्या कर दिया जाता है, स्टार लगा दिया जाता है। तो स्टार इसलिए लगाया जाता है, तो स्टार लगाने से ऐसा नहीं है कि नोट आपके पास क्या हो जाएगा, वो फेक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। RBI ने बिल्कुल इनकार किया कि ऐसी न्यूज़, ऐसी जो उसमें फॉल्स जो पोस्ट है इसको शेयर ना करें, ठीक है ना। मतलब जो 500 का नोट है वो आपके पास जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो फेक नहीं है, वो सही है। अब क्यों सही है, मैंने आपको उसका रीज़न भी बता दिया, ठीक है। और अगर कोई भी इंसान इस चीज़ से इनकार करता है, मतलब जैसे आप दुकान वगैरह पे जाते हैं, तो उस केस में आप उसके ऊपर, मतलब उस केस में वो उसमें केस भी हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है, ठीक है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। आगे आप देखें, एक पेन किलर है जिसमें है मेफ्टल, ठीक है ना। मेफ्टल का अगर अभी आप देखेंगे तो काफ़ी एलर्जिक, मतलब काफ़ी रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं, एलर्जी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें अगर आप देखेंगे कौन सी इंडियन, ये आप देखेंगे
इंडियन फार्मासोपिया कमीशन, ठीक है, अगर नाम में कुछ प्रोनाउंसिएशन हो रही है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे इस तरह से केसेस आते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आईपीसी से क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें आप क्या कहते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और डॉक्टर्स और जो पेशेंट्स को उन सब ने क्या किया, अवेयर किया इस चीज़ से, ठीक है ना, कि इस चीज़ को आपने क्या करना है, देखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ये काफ़ी सीरियस हैं, ठीक है ना, इस मेप्टल के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। सो यही थी हमारी अभी तक की आखिरी और सबसे लास्ट स्लाइड, और इसी लास्ट स्लाइड के साथ अपनी इस वीडियो को करेंगे एंड करते हैं इसको स्टॉप। वीडियो को कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए ना बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उससे जो भी यहाँ पर नई वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अभी तक के लिए रखिए अपना ख्याल, गुड बाय।